हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हम निफ्टी फिफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और यहाँ हमें दिख रहा है डार्क क्लाउड कर्व, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मार्केट नीचे आ सकता है। ये अभी टेक्निकली इंडिकेशन हमें मिल रहा है। ओके, हमारे लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनेगा। और ये मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये मैंने एक पर्पल कलर से जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। 1 2, देन यहाँ पे थर्ड सपोर्ट, फोर्थ फिफ्थ एंड यहाँ पे सिक्स सपोर्ट, ठीक है। बेसिकली वीक से एंड कैंडल से दोनों से मिलकर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं वहां पे मैंने ट्रेंड लाइन बना दी। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बन गई है डेली टाइम फ्रेम में और वो इस सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होगी और जो प्रीवियस डे सपोर्ट है, जो कि इस दिन था, उसके आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, 18,650 का अगर लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट, तो एक और अच्छा फॉल आ सकता है मार्केट में। टारगेट हमारे लिए ये वाली लेवल रहेगी 18,550 की, एंड देन उसके बाद ये जो लोएस्ट पॉइंट है 18,450 का, ये वाला यहाँ पे टारगेट रह सकता है, ठीक है। देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम आएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिख रही है और एग्जैक्टली ये यहाँ पे मतलब रिस्पेक्ट कर रही है सारे पॉइंट्स को। ओके, एंड अभी के लिए मार्केट रुका हुआ है 18,650 के लेवल। ओके, सो यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि मार्केट ने बार बार ये वाला नीचे वाला जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रेक करने की कोशिश की है और इस पॉइंट से मार्केट ने एक पुल बैक लिया हुआ है। ओके, सो ये जो पुल बैक पॉइंट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट आया, एक पुल बैक लिया और यहाँ पे अभी क्लोज हो गया मार्केट। तो यहाँ पे मोर चांसेस बनते हैं कि मार्केट डाउन साइड ब्रेक करे और हमारे डाउन साइड के टारगेट जो है 18,600, देन उसके बाद ये वाला लोएस्ट पॉइंट रहेगा 18,450 कह सकते हैं हम। ओके, सो ये यहाँ पे हिट हो जाए। ओके, सो स्टॉप लॉस हमारा बनता है 18,750 का। अगर डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पे 18,650 के नीचे, तो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस रह सकता है, जो कि एक टेक्निकल स्टॉप लॉस बनता है। बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा बट टेक्निकली इस टाइम फ्रेम पे इतना ही बनता है। अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम ये व्यू लेके चल सकते हैं, और अगर हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना होगा तो हम बियरिश व्यू यहाँ पे प्रिफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। ओके, इस पॉइंट से आ सकती है वो और यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो 3 पॉइंट्स को टच किया ट्रेंड लाइन ने, सो ये ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड हो गई। ओके, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे ये वैलिड बन गई। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 18,750 का जो लेवल है, ये वाला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस करके वर्क करेगा और ये एक डबल बॉटम की तरह भी यहाँ पे वर्क करेगा। तो अगर ये 18,750 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। और दूसरी बाइंग की कंडीशन यहाँ पे बनती है, जैसे कि हम सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, एंड ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे भी हम थर्ड टाइम बाय कर सकते हैं। ओके, एंड अपसाइड हमारा टारगेट जो 18,886 का हाई बनाया है वही रहेगा उसके आसपास। देन डाउन साइड हमने पहले से ही क्लियर कर लिया है। हायर टाइम फ्रेम में हमें बियरिश व्यू है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बियरिश साइड ही जाना चाहिए और 18,760 के, सॉरी 18,650 के हम नीचे बियरिश साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो 18,580 हमें यहाँ पे सपोर्ट लाइन दिख रही है, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है, तो वो वाला फर्स्ट टारगेट। देन उसके बाद 18,500 का हमारा सेकेंड टारगेट रह सकता है। थर्ड टारगेट भी है जो कि हमने 18,450 का रखा हुआ है। ओके, सो निफ्टी का टोटल एनालिसिस हो गया, तो हम शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं और ये एक बार ऑफ करेंगे सारे टेक्निकल्स और यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ में दिख रहा है कि बैंक निफ्टी टोटली सम वीक्स है, जैसे कि ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो गए, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं किया। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है। ओके, सो हमें सिमिलरली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि एक लो बनाया हुआ है मार्केट ने, 43,400 का मार्केट ने लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस लो से काफी बार रिजेक्शन हमें यहाँ पे स्मॉल कैंडल शो कर रही है। तो अगर ये 43,300 एंड 400 का जो लेवल है वो अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, एक कैंडल यहाँ पे नीचे की साइड क्लोज होती है, तो हाँ मार्केट तब से बियरिश के लिए जा सकता है। और यूएस मार्केट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीजे मतलब डाउ जोन्स यहाँ पे शो कर रहा है -200 पॉइंट क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन, तो हमारा मार्केट भी मोस्ट ऑफ द टाइम बियरिश ही खुल सकता है।
और अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और डेली टाइम फ्रेम में एक नोटिसेबल चीज ये है कि यहाँ पे आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है और आगे वाली सारी कैंडल इसके अंदर ही। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर है। ओके, सो इनसाइड कैंडल बेसिकली दो कैंडल से बनता है स्टैंडर्ड, बट इस यहाँ पे सारी कैंडल इसके अंदर ही चल रही है, तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो बहुत मैटर करता है, जो कि 43,440 का है, 443। ओके, सो अगर 43,400 की लेवल यहाँ पे ब्रेक होती है, 43,400 के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है, तो मार्केट में एक बेयरिश स्ट्रक्चर आ सकता है। और ये कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उस दिन एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है मार्केट। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ये 500 पॉइंट की कैंडल है, और इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है मार्केट में। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देन यहाँ पे हम ये जो ड्राइंग किए हुए वो ऑन करेंगे। ओके, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से ड्रॉ करके रखी है। एंड देन हमें 22 जून मतलब कि थर्सडे के दिन, देन फ्राइडे के दिन यहाँ पे थोड़ा बहुत थर्सडे को रेजिस्टेंस करता हुआ मार्केट दिखा। देन 44,000 से की लेवल से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और मार्केट नीचे चला आया, और देन मार्केट फ्राइडे को भी डाउन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। और 44,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, साइकोलॉजिकल भी और रेजिस्टेंस लेवल भी। ओके, सो यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे अभी क्लोजिंग दे दी, तो अभी भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही है। डाउन साइड 43,400 का एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, और मार्केट का व्यू हमने पहले से बियरिश देख के रखा है। ओके, सो 400 एंड 500 एक दोनों सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करेंगे। देन ऊपर की साइड हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं 43,800 के ऊपर। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम 15 मिनट चार्ट में जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर स्मॉल रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा ट्रेड हमें कुछ दिन से मिल नहीं रही। ठीक है, सो 5 डेज में से मार्केट 2 ही दिन ट्रेंडिंग रह रहा है, थोड़ी बहुत मूवमेंट दे रहा है। ओके, सो ट्रेड केयरफुली करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक रेंज देख पा रहे हैं जैसे कि 43,800 से लेके 43,600। ओके, सो आप ओवरऑल कह सकते हैं 500 से लेके 800, ये 300 पॉइंट या फिर ये 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, तो हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं 43,600 के नीचे हम बेयरिश के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और 43,800 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते। और यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड बनता है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल 3 सिनेरियोज बनते हैं। फर्स्ट, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ऊपर की साइड अगर जाता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेकंड, 43,800 और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे सेकंड ट्रेड, और अगर मार्केट डाउन साइड यहाँ से जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड जा सकते हैं। गैप डाउन के केस में गैप फिल अगर होता है तो वो ट्रेड हम पहले कर लेंगे, और अगर गैप फिल नहीं हुआ तो मार्केट का हम वेट करेंगे। मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, उसके बाद कहीं तो मार्केट जाने की कोशिश करेगा, तो उस ट्रेड वो ट्रेड हम यहाँ पे कर लेंगे। तो लाइव अपडेट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, लिंक हम इसी वीडियो की बायो में मैंने डाल दिए, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं और लाइव आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी लेवल के ऊपर ट्रेड बनाएंगे, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे पर्सनल ट्रेड्स एंड मेरे फ्रेंड्स के ट्रेड्स भी आपको मैं यहाँ पे शो करने वाला। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।